नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमानंद। स्वागत करता हूं आपका अपने इस ब्लॉग में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आप सभी लोग जो है तो चार धाम यात्रा के लिए जो है तो कपाट खुलने की तिथि का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आज जो है तो श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि इस बार यानी 3 मई को है, जिसकी घोषणा जो है समिति के माध्यम से की जाएगी। और श्री बद्रीनाथ धाम जी के जो कपाट खुलने की तिथि 8 मई को घोषित हो चुकी है। और आप सभी लोगों के लिए जो दर्शन के लिए जो तो सराहता यानी कि 6:15 बजे से आप जो है तो दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह श्री केदारनाथ धाम जी के जो कपाट खुलने की तिथि है, श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा 1 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन की जाएगी। तो उसकी जानकारी भी हम आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, कि आपको जैसे कि ऋषिकेश से, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, तो आप जैसे यहाँ से अपनी यात्रा अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा यात्रा के लिए, इस सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से देंगे। कि आपको क्या क्या अपने पास क्या क्या पेपर रखने होंगे, कैसे कैसे आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑफलाइन यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहाँ कहाँ पर ऑफलाइन केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये जैसे ही जानकारी हमको मिलती है तो ये हम आपको जो है ज़रूर अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में ये जानकारी आपको दे सकें। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे कोरोना काल चल रहा है, कुछ कोरोना की जो भी गाइडलाइन यहाँ पर यात्रा के दौरान लागू होती है, आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करके चलना है, क्या क्या प्रमाण पत्र आपको लेके चलना है साथ में, तो सभी जानकारी हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस सभी चीज़ अपडेट के लिए आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप चार धाम से संबंधित क्या जानकारी हमसे चाहते हैं उसके संबंध में आप कमेंट कर सकते हैं। हम सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों को जय बद्री विशाल, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। आपका धन्यवाद।